हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये वाले फ्लावर प्लांट्स मेरे बिल्कुल फुल 10 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक पूरी धूप में रहेगा। अब तो रोज़ की शावरिंग मस्ट हो गई है फ्रेंड्स, मतलब तो रोज़ शावरिंग करना ही होगा। टेक्सस सेज को मैं यहाँ ले आई हूँ, आप देख रहे होंगे धूप का निशान आप अभी भी देख रहे होंगे 1:30 बजे की। अब क्या है, 12:30 बजे तक की इसको धूप लग रही है, बस बच जाएगा ये, क्योंकि टेक्सस सेज को धूप में तो चाहिए, धूप पसंद है इसको, लेकिन रेन भी बहुत चाहिए इसको। अगर बारिश हो और धूप हो तो फ्लावरिंग से भर जाएगा और काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा प्लांट भी। तो इसको मैंने यहाँ एडजस्ट किया, काफ़ी प्लांट्स को मुझे एडजस्ट करना पड़ा। और देखो मैंने बर्ड्स के लिए कहाँ कहाँ पानी डाला है, हर जगह ऊपर नीचे खाना पानी सब रखा हुआ है। कई जगह पानी फैला देती हूँ मैं, वहाँ भी मैंने अभी पानी थोड़ा फैला देती हूँ, गर्मी बहुत हो गई है। और आप भी ऐसा किया करें। अब ये करोटन देखो बेहोश होने लग गया है, एक देखो ऊपर टिप से बेहोश हो जाएगा जैसे ही 3 बजे की धूप इस पर पड़ेगी। फ्रेंड्स अभी तो 1:30 बज रहा है, यहाँ नीचे है धूप और ये ऊपर पड़ेगी, तो इसका एडजस्टमेंट मैं बताती हूँ क्या करूँगी। सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस तरह से मैं एक नेट लाऊँगी और इस तरीके से लाऊँगी, ऐसे ये इस तरीके से, और यहाँ पर लटका दूँगी, यहाँ लटक जाएगा थोड़ा सा, तो ये तेज़ धूप से बच जाएंगे। बस जाती जाती 5 बजे की 4 बजे की धूप लग जाएगी, बहुत है। और एक ये बोगेनविलिया यहाँ पर ले आई हूँ मैं, इसको केयर करूँगी। पता नहीं इसको क्या हो गया था, डेड हो रहा है, देखो ऊपर लीव्स आ रही हैं, फिर मर जा रहा है, फिर लीव्स आ रही हैं फिर। तो माधुरी जी, मैं आपका एक टिप है वो फॉलो करूँगी, राख एश एंड टर्मरिक पाउडर वाटर में मिला करके, राख और हल्दी पाउडर पानी में मिला करके इसको दूंगी। और भी कई प्लांट हैं जो मेरे थोड़े से धराशायी हो रहे हैं कुछ, और इस तरीके से मैंने देखो एडजस्ट किया। आप दिखाती हूँ मैं आपको जल्दी से, क्योंकि फ़ोन भी अपलोड नहीं करने देता। ये देखो इस तरीके से मैंने सारे एक तरफ कर दिए हैं छाए वाले, और हिबिस्कस में कितना हटाऊं, तो मैंने प्लान यही किया है कि हमें नेट लाना पड़ेगा और नेट को इस तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हाइब्रिड हिबिस्कस ही हमारे पास, और ऐसे लगा दूंगे तो काफ़ी हद तक उसको धूप से बच जाएगा। 3 घंटे की धूप काफ़ी है सुबह की, क्योंकि सुबह की ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो क्रोटन्स को भी बचाना है, कितना हटाऊँ मैं, काफ़ी सही जगह मैंने क्रोटन रखे हैं। जेड को मैंने हटा दिया, जेड यहाँ रखा था आपने देखा, निशान भी है, ये सिरेमिक पॉट में है, इनको भी केयर करना है। और अभी वो चाइनीज हिबिस्कस को मैंने हटा दिया है, वो देखो उसको भी मैंने हटा दिया, वो हाइब्रिड कनेर का जो पिंक है उसको भी मैंने पीछे रख दिया है। अब उसको जाती हुई धूप लग जाएगी, 3-4 बजे की धूप लगेगी तेज, और ऐसा नहीं है कि शाम की धूप तेज़ नहीं होती, इसको भी जाती जाती धूप लगेगी और फ्लावरिंग होती रहेगी अच्छे से। और ये पेल होने लग गया था तो बचाना ज़रूरी है, हाइब्रिड हिबिस्कस 35 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर नहीं चलता, अदरवाइज़ रेन होती हो तब तो सही है। अगर रेन होती रहो 2-3 दिन पे भी इनको बारिश की फुहारें मिल जाएँ तो ये लोग सही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। और बहुत कटिंग लगाई थी, सक्सेसफुल भी हो रही थी, क्या शेयर करूँ, मुझे तो पता है समर आते ही वो बचेंगे नहीं, चाहे मैं आगे यहाँ रख दूँ चाहे बैकयार्ड गार्डन में रख दूँ, कोई नहीं बचता। तो गुड बाय फ्रेंड्स, इसी के साथ ये देखो मैंने यहाँ ले आई, इसका कुछ एक टूट गया, तो टेक्सस सेज भी बच गया। और अंदर वाले प्लांट में आपको दिखाती हूँ कैसे हैं, इनको पानी देना है फ्रेंड्स, इनको पानी तो देना ही देना है, ये देखो पानी देना है इनको, आज सूख गए हैं बिल्कुल। ये है, कर दिया सबको एडजस्ट मैंने, कल मैंने 2 घंटे लग के ये कर रही थी, बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, अब नहीं करूँगी, गर्मी बहुत है और धूप में मैं नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि घर ना मेरा डायरेक्शन ऐसा है कि अब यहाँ शेडो आ गई है 1:30 बजे। अब ये इनके लिए भी अच्छा है, कुछ और प्लांट्स लाऊंगी जिनको 1 बजे तक की धूप चाहिए, 12:30 बजे तक की धूप चाहिए, तो वो मैं उनको यहाँ रखूँगी, मेरा ये है प्लान। तो कुछ शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब से ज़्यादा और टेम्परेचर होने वाला है। तो इस तरीके से है, पानी हर जगह रखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक पानी फैला के रख सकते हैं, बड़े बर्तन में कोई भी टूटा टब हो, छत पर भी 2-3 जगह रखें, प्लीज़ रखें खाना पानी। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सोचा आपको इससे दिखाऊं। बेचारा अभी फेंट होने लग गया है, 3 बजे बिल्कुल फेंट हो जाएंगे ये, तो बस यही आपसे शेयर करना था कि धूप तेज होती जा रही है। गुड बाय फ्रेंड्स, गार्डनिंग के एडजस्टमेंट और अरेंजमेंट तो हमेशा चलती रहेगी।